नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। महागठबंधन और बीजेपी आमने सामने हो गई है। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक तुलसी राय के मारपीट एवं अपहरण मामले में मुजफ्फरपुर एसएसपी यानी यूं कहिए मुजफ्फरपुर पुलिस एक्टिव में आ चुकी है। लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है बीजेपी राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए। तो वहीं दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा में भी पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। स्पेशल टीम बनाई गई है, स्पेशल टीम को 3 जगहों पर रवाना किया गया है और लगातार छापेमारी शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया था आरजेडी विधायक के द्वारा मारपीट और अपहरण मामले में तुलसी राय के द्वारा, अब इसमें बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हो गई है और पंगा लेना हो सकता है, भारी पड़ सकता है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर एसएसपी का फरमान और उसके बाद राजू सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, मुजफ्फरपुर में उनके आवास सहित उनके कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पुलिस ने देर रात दबिश दी और लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं एक स्पेशल टीम दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा भी पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी खबर है कि उनकी कुर्की जब्ती यानी उनके घर के कुर्की जब्ती का भी कवायद जो है वह तेज कर दी गई है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अपहरण और मारपीट मामले में बीजेपी एमएलए सुनील सिंह जिस तरीके से वह फरार चल रहे और पुलिस लगातार दबिश देने में लगे हुए, तब कहीं ना कहीं इस मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो बीजेपी और आरजेडी आमने सामने भी हो गई है। वहीं अगर बात कर लिया जाए मुजफ्फरपुर पुलिस की, तो लगातार कई ऐसे ठिकाने हैं राजू सिंह के जहां पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जो एक विशेष टीम बनाई गई है जिसे दिल्ली, हरियाणा और गुड़गांव भी भेजा गया। तो लगातार पुलिस दबिश बनाने की कार्रवाई कर रही है और अगर इससे भी नहीं होता है तो पुलिस लगातार कुर्की जब्ती के लिए भी कार्य कर रही है और लगातार इस अनुसंधान में पुलिस एक्टिव होकर जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से बीजेपी विधायक जो है उनका मुश्किल काफ़ी बढ़ सकता है।